नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी पास करने की निंजा टेक्निक में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की निंजा टेक्निक के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आपको आसानी से किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से तात्पर्य, पूरी पिक्चर आपको आसानी से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सीपीसीटी का जो एग्ज़ाम होता है, फटाफट बोलिए कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का होता है, हाँ या ना? इसमें से जो कंप्यूटर आता है वो कितने नंबर का आता है? 52 नंबर का आता है, कहिए हाँ। मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का जो पैराग्राफ या इंग्लिश का जो पैराग्राफ आता है कितने नंबर का आता है? 23 नंबर का, हाँ बोलिए। हम क्या करते हैं, हर बार जो मेरे पास जो बच्चे असल से जीरो से पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आपको 52 में से कितने मार्क्स लेके आने, 38+। इनको हम क्या करते हैं, देखते ही नहीं है। ये हमारा क्या हो जाता है, बोनस वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ से बच्चे 40+ होने लगते हैं अपने आप, है ना। पास तो हमारे बच्चे कहाँ से हो जाते हैं, इन 52 से ही हो जाते हैं। पर जिनको सिर्फ सीपीसीटी पास करना है कि भाई साहब कैसे भी करके 38 नंबर लिए आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बंदा है जिसको जॉब में अत्यंत आवश्यकता है किसकी, सीपीसीटी की, यानी कि उसे कंप्यूटर प्लस हिंदी पास करके देना ही है। प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन होगा तो पेमेंट नहीं मिल रही है, किसी की अनुकंपा नियुक्ति है वो रुकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं दो जो 2012-13 में लगे, अब उनसे सीपीसीटी मांगा जा रहा है। वो बोल रहे हैं भैया हमने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखी, अब यहाँ पे कंप्यूटर हमसे करवा रहे हैं, हमने पढ़ा नहीं है, 4-5 साल हो गए नौकरी लगे, अब हम पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लग रहा। तो उनके लिए बिल्कुल सही रामबाण वीडियो है। अब देखिए, 23 नंबर जो बचे हुए हैं इन पे फोकस करना है, किनको, जिनका मकसद सिर्फ सीपीसीटी निकालना है, किसी भी तरह से सीपीसीटी निकल जाए, वहां क्या करना है। 6 नंबर की रीजनिंग कहो, हाँ, 6 नंबर की मैथ, 6 नंबर का जीके, 5 नंबर की हिंदी का जो अनसीन पेसेस होता है वो, हाँ या ना। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए। अब देखो, आप मैथ और रीजनिंग पे अभी से ध्यान देने लग जाओ, यानी कि नवंबर से ही। मैथ और रीजनिंग के टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर टॉपिक भी पूछना है मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको बकायदा लिस्ट बना के उन टॉपिक की आपको खुद को सेंड कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर लेंगे। आप यहाँ से लेके कितने जाओ, 6 में से सिर्फ 3 नंबर लेके जाओ, इधर लिख लेते हैं। 6 में से कितने लेके आ गए, सिर्फ 3 नंबर, 3 ही किस में लिया, मैथ में। जीके में मान लो एक भी नहीं ला रहे हैं, एक भी नहीं ला रहे हैं, पैसेज में आप 5 में से 5 नंबर आसानी से ला सकते हो। 3 3 6 6 और 5 कितने हो गए, 11 नंबर हमारे हो गए। पास होने के लिए कितने का आंकड़ा चाहिए, 38 का, 38 में से 11 घटा दो, 7 में 8 में से 1 गए तो 7, 3 में से 1 गए तो 2। अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 27। बचे हुए कितने, अभी कंप्यूटर के पूरे 52 क्वेश्चन बचे हुए हैं। होता क्या है, इन 52 में से लगभग लगभग 12 से 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं किसके, बेसिक कंप्यूटर के, जो आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। मंथन, लूसेंट, दृष्टि, किरण, कोई सी भी बुक, अरिहंत, कोई सी भी उठा लो, आपके आराम से कंप्लीट आपके हो जाएंगे, ठीक है। 11 यहां से हम लेके आ गए हैं, 12 13 नंबर हमारे ये हो गए, तो 11 इसको मान लो और 12 ही नंबर इसको मान लो, ये कितने हो गए, 3, और ये कितने हो गए, 23। 38 में से 23 हम लिया है, बचे कितने, 15 नंबर सिर्फ हमारे बचे। इसमें से हमने 15 की बात की अभी हमारी, यानी कि अभी लगभग हमारे 15 हो चुके, ठीक है। 35 क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं, पास होने के लिए हमें देखो कितने से, 15 नंबर चाहिए सिर्फ। वो 15 नंबर आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी क्लासेस से आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी गारंटी पूरी मेरी हो जाएगी, ठीक है। ये 35 में से आपको 15 नंबर जो दिलवाने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अब देखो, होता क्या है कि सर आपने तो बहुत ज़्यादा मतलब लोचा कर दिया कि सिर्फ 38 ही नंबर आए, 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो गए, तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो उस चीज़ को, आप पॉजिटिव भी तो सोचो कि भाई साहब अगर हम 6 में से 6 लेके आ गए रीजनिंग में, तो मैथ में 6 में से 6 लेके आ गए, तो जीके में तो मैंने 1 भी नहीं जोड़ा, जीके में 3 आ गए, तो यहाँ पे जो मैंने आपके 15 से 12 नंबर का जो बेसिक होता है, हो सकता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, आप यहाँ से 15 के 15 पूरे मार दो। यहाँ से मान लो आप 15 लेके आ गए, 15 आपने बेसिक में से मार दिए, 15 15 कितने हो गए आपके, 30। अब जो बचे हुए 35 हैं उनमें से आपको कितने चाहिए, सिर्फ 8 नंबर। आँख मीच के भी तुक्का मारोगे ना तो 35 में से 8 नंबर आराम से आ जाएंगे, हुए या नहीं हुए पास। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब पूरे 75 में से 12 नंबर आए, तो कैसे आए 12 नंबर,
या तो सभी में AA लगा दिया, सभी में BB लगा दिया, सभी में CC लगा दिया, फिर सभी में DD लगा दिया, तब जाके 12 नंबर आ सकते हैं। अगर ऐसा भी करोगे तो 15 प्लस ही आएंगे, 12 तो नहीं आने वाले, है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर हम करेंगे ना, तो CPCT आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे बढ़िया काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। मैं तो रीजनिंग के टॉपिक की लिस्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा, व्हाट्सअप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, नंबर फिर से लिख देता हूँ। वैसे तो आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, 84 61 84 35 34, ठीक है। ग्वालियर भिंड मुरैना से लेके बुरहानपुर तक नंबर वायरल हो चुका है हमारा, है ना। इधर आपका अलीराजपुर से लेके तो सीधी सिंगरौली तक नंबर वायरल है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, लिंक बना के टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप मैं तो रीजनिंग की प्रिपरेशन अभी से करके लग जाइए, और जो 35 नंबर कंप्यूटर के हैं वो कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।